हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अब एक सवाल है जो जितने भी लोग क्लैट एलएलएम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो बहुत पूछते हैं और जानना चाहते हैं नेचुरली कि प्लेसमेंट्स क्या हैं आफ्टर एलएलएम फ्रॉम एन एनएलयू। सो पहली बात तो ये है कि हम लोग के यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं क्लैट पीजी के लिए, और उसके लिए आपको मॉक्स दिए जाते हैं वीकली जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। फिर प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है उसका, सो दैट यू नो कितना सही हुआ कितना नहीं। पीडीएफ्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है फॉर 24/7। यू हैव यू नो द ऑप्शन टू मैसेज और कॉल द टीचर। अब बात आती है कि एनएलयूज का क्या प्लेसमेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि एनएलयूज फेमस हैं अपने प्लेसमेंट के लिए फॉर एलएलबी, ठीक है। तो उनका प्राइमरी कंसर्न इज कि वो जो 5 ईयर्स के वाले बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट करवाएं, सो दैट विल रिमेन देयर प्राइमरी कंसर्न। जो कंपनीज आती हैं उन लोग के प्लेसमेंट्स के लिए 5 ईयर्स वालों के लिए, उसमें वो एलएलएम के कैंडिडेट्स को नहीं बैठने देते। जो tier 2 tier 3 हैं उनके यहाँ प्लेसमेंट का कोई भी चांस नहीं रहता फॉर एलएलएम स्टूडेंट्स। एनएलयूज जो हैं tier 2 और tier 3 के, जो tier 1 के हैं तो NRSIU में आपको बैंगलोर का जो है तो अकेडमिक्स का प्लेसमेंट होता है LLM के बच्चों के लिए। 100% प्लेसमेंट नहीं है ऑफकोर्स। नालसार NUJS इसमें भी कुछ कंपनीज आती हैं, देर आर सम कंपनीज हु कम हियर। इवन फॉर NLU जोधपुर वी रियली हैव दी प्लेसमेंट्स। पर बात ये होती है कि एक बार आप NLU से जब पढ़ते हैं सो यू गेट दैट फर्स्टली यू गेट दैट मार्क आप पे, वो आपकी CV में आ जाता है दैट यू हैव डन योर मास्टर्स फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेज। सेकेंडली अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं क्लैट LLM में तो आपको यू नो PSUs से ऑफर आ जाता है। एंड थर्डली आपका जो होराइजन है ऑन द सब्जेक्ट मैटर जिस पे भी आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं इट इंक्रीजेस मैनिफोल्ड। तो जब आपका दिमाग ही बढ़ जाएगा, लिटरली ग्रे एरिया बढ़ जाएगा, so you will obviously attain a job anywhere easily. So that is how the placements take place. Do not rely on these placements, but yes, when you have an NLU in your CV, आपको खुद से job offers आने का chance बढ़ जाता है. So that is all. Thank you so much. Hope this helps. See you in the next video. Bye bye.